ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू BGMI फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड थीम जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस इस वीडियो में जो है गाइस बैकग्राउंड पीएनजीज जो है गाइस वो मैंने काफी मेहनत से ढूंढे हैं, तो यार प्लीज यार वीडियो को उसके लिए एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस इस वीडियो में जो है गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि गाइस आपको ये वाली फोटो एडिटिंग सेम टू सेम कैसे करनी है। बस गाइस आप सभी को करना क्या है, आप लोगों को जो है गाइस वीडियो कंप्लीट देखनी है, बस एक भी पार्ट मिस नहीं करना है। बाकी गाइस चलिए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को जो है इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से ऐड करना आप सभी को जो है BGMI का ग्लोइंग BGMI टेक्स्ट PNG, ठीक है। तो आपको उसको ऐड करना है, एंड इसको आपको कुछ नहीं करना, आपको बैकग्राउंड में जैसे ही मतलब कि आप इसको फुल स्क्रीन करोगे तो गाइस कुछ इस टाइप का ऐड हो जाएगा। तो गाइस हाइट वाइट जो भी आपको इसमें मतलब मैनेज नहीं करना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे डन कर देना है, एंड इसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को मॉडल का PNG। एंड गाइस जो मॉडल का PNG मैंने बैकग्राउंड इसका पहले से रेज कर रखा है, एंड गाइस जिसको बैकग्राउंड रेज करना नहीं आता नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना। बाकी गाइस आपको क्या करना, फिर आपको जो मॉडल है यहाँ पे गाइस आपको कुछ स्टेप्स जो इसका हाइट रखना है, ठीक है, मतलब जो BGMI उसके यहाँ तक आपका हेड पहुंचे। एंड उसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड यहाँ से ऐड करना है शेडो को PNG। एंड गाइस इस PNG को ऐड करने के बाद जो है गाइस आपको अपने फोटो के पास कुछ स्टेप्स लगा देना है। एंड गाइस अगर आप लोगों को मतलब शेडो का PNG नहीं चाहिए, अगर आप बनाना चाहते हो तो गाइस आप बना भी सकते हो, ठीक है। PNG लगाओ वो जरूरी नहीं है, बस गाइस आपके पैरों के नीचे शेडो होनी चाहिए, बस वो मैटर करता है, ठीक है। तो आप शेडो बना लेना, एंड उसके बाद आपको क्या है कुछ, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना डन। एंड इतना कर देने के बाद आपको ये करना, आपको जाना है गाइस यहाँ से दोबारा ऐड फोटो में, एंड यहाँ से ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को जो ग्रेनेट के PNG है, ठीक है। तो ये ऐड करना है, एंड इसको ऐड करना है, एंड कुछ स्टेप्स हो जाएगा फुल स्क्रीन करना कुछ स्टेप से। एंड इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको जो है यहाँ पे डन वाला ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे आपको सिंपली इस पर डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है अगेन ऐड फोटो में, एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद जो है यहाँ से आप सभी को ऐड करना है लाइट का PNG। एंड ये लाइट का PNG ऐड करने के बाद जो है पहले एडजस्ट में जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद आपको जाना है ह्यू में, एंड इसको करना है आपको यहाँ पे ग्रीन कलर, तो आपको ऊपर की तरफ कुछ यहाँ पे मिल जाएगा 86 पे। एंड उसके बाद आपको डन करना है, एंड उसके बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग मोड में, एंड इसको कर देना है स्क्रीन। एंड स्क्रीन कर देने के बाद आप जो है आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे जो अपने मतलब कि जो आपके शोल्डर है उसके पास कुछ स्टेप्स लगा देना है, जो मतलब कि ग्रीन वाली जो लाइन है आपको उसके पास कुछ स्टेप्स ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो उसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा पतला कर लेना कुछ स्टेप से, एंड जो है उसके बाद आप सभी को यहाँ पे शोल्डर के पास कुछ स्टेप्स रख देना है। एंड क्या उसके बाद आपको फिर सेम चीज़ करना, आपको साइड में भी चाहिए तो उसके लिए करना आपको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना है, एंड डुप्लीकेट करके आपको जो है दूसरे वाला को भी यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, आप लोगों को जो यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड इसको कर देना है डन। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपके व्हाइट कलर की लाइट PNG, ठीक है। तो इसको ऐड करना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में, इसको स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स पीछे की तरफ जो है मतलब यहाँ पे हेड के पास आपके वहाँ पे इसको लगा देना है। एंड उसके बाद आपको उसका भी डुप्लीकेट करना है, एंड एक साइड में लगा देना है, मतलब फेस के पास नहीं लगाना, आपको थोड़ा ऊपर की तरफ करके लगाना, ठीक है। तो इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आप सभी यहाँ पे सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको कर देना है यहाँ पे डन। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा पिक्सआर्ट का काम हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस फोटो यहाँ पे सेव करेंगे, एंड इस पे करेंगे हम कलर करेक्शन जो कि करेंगे हम लाइट रूम ऐप में। तो इसको हम यहाँ से लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। सो लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में साइड में जो दिख रहा है, एंड उसके बाद आपको उसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो यहाँ पे प्लस कर देना है, एंड जो हाईलाइट है हाईलाइट को जो यहाँ पे आपको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। हाईलाइट को इंक्रीज, एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड जो वाइट है यहाँ पे इसको इंक्रीज कर देना है कुछ इस टाइप से। एंड उसका जो ब्लैक दिख रहा है आपको गाइस यहाँ पे, आपको जो ब्लैक है इसको भी यहाँ पे इसको माइनस कर देना है। फिर आपको जाना है ऐसे वाइट को जो है थोड़ा हम कम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर उसका जाना आपको कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, वाइब्रेशन को बढ़ाने के बाद जो ऊपर टेम्परेचर दिख रहा है आपको उसको कम करना है। एंड जाना आपको कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा सा माइनस करना है, एंड जो ल्यूमिनस है इसको यहाँ पे प्लस कर देना है। फिर इतना कर देने के बाद आपको जाना है येलो कलर में, येलो कलर में जाने के बाद आपको उसका जो ह्यू है इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्लस कर देना है। एंड जो है इसके बाद जाना आपको ग्रीन कलर में, आपको इसका जो ह्यू है यहाँ पे इसको भी प्लस कर देना है, एंड जो सैचुरेशन इसको भी प्लस कर देना, ताकि जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाए। फिर उसका जाना आपको यहाँ पे डार्क ब्लू में आपको उसका ह्यू चेंज करना है यहाँ पे, मतलब इसको माइनस की तरफ, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। फिर आपको जाना है सिलेक्टिव टूल में, सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जो नीचे साइड में जो ये ब्लू कलर का प्लस का आइकन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन लेना है, एंड उसके बाद आपको नीचे से कुछ स्टेप्स प्रेस करते हुए लाना है, एंड उसके बाद जो इसका एक्सपोजर है जो यहाँ पे कम कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है डन। एंड इतना कर देने के बाद आपको यहाँ से जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे गाइस फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में गाइस बिगिनर डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरा ज़्यादा नहीं डालना, आपको देख लेना अपने हिसाब से कि कितना ठीक लग रहा है।
फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की जो शार्पनेस दिख रही है आपको उसको इंक्रीज करना है। एंड इसके नीचे जो नोट डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे जो दिख रहा है आपको कलर नोट डिस्क्रिप्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो और वीडियो एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस चलिए मिलता हूँ सुबह किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।